सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? एनी डिवाइस विच सप्लाइज द एनर्जी टू द सर्किट. कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें, जैसे कि जनरेटर हो सकता है, बैटरी हो सकती है, पावर प्लांट हो सकते हैं, ठीक है. और इनके लिए एक वर्ड यूज किया हमने EMF. EMF क्या है? विच इज एनी डिवाइस विच कैन कंटिन्यूअसली सप्लाई द एनर्जी टू फ्लो द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड के ऊपर नहीं जाना है, दैट इज सप्लाइंग द एनर्जी नॉट अ फोर्स. ठीक है, इसके मीनिंग में फोर्स नहीं है, लेकिन जब उसका नाम है, नाम में फोर्स है, मीनिंग में एनर्जी है. ठीक है, ओके. देन क्या देखा हमने? यस, फिर मैंने बताया कि कॉपर और पेंसिल अगर हम लेते हैं, दोनों को अगर 5 वोल्ट की हम बैटरी लगा देते हैं, सो ड्यू टू देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस इन द वायर दे कैन हैव 4 वोल्ट इन देम. मतलब क्या है? अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी लगाया तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दिस विल ओनली पजेस 4 वोल्ट. तो हम कौन सा क्या कंसिडर करेंगे? हमने कहा कि 5 वोल्ट की बैटरी हम मार्केट से लेके आते हैं तो 5 वोल्ट क्या है? उसका ओपन सर्किट पोटेंशियल है. मतलब जब तक किसी डिवाइस को कनेक्ट नहीं करते तो वो कितना आउटपुट दे सकता है खुद से. हमने कहा कि 5 वोल्ट. ठीक है, लेना कितना है वो डिपेंड करेगा कि तुमने क्या कनेक्ट किया है. सो बीइंग दैट सेड, हम पढ़ते हैं आज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. मतलब ये बैटरी जो 5 वोल्ट की, इसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसकी बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, पहले तो जानते व्हाट इज बैटरी. बैटरी विच ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है. एनोड कैथोड होते हैं. बैटरी का कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं यहाँ पे. ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, नीचे केमिकल होता है. ठीक है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव. अंदर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होगा, करंट फ्लो होता है यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से वापस आ जाए. करंट विल फ्लो लाइक दिस फ्रॉम द बैटरी. ठीक है, जब ये एनर्जी सप्लाई करेगा, इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, देन देयर विल बी सम रेजिस्टेंस. Then there will be some resistance. इनके बीच में कुछ resistance होगा, that is R. ठीक है, मतलब जब ये flow होगा battery के through from negative to positive terminal, battery के अंदर से electron कहाँ flow होंगे? Negative to positive terminal, और बाहर positive terminal to negative terminal. ठीक है, so when these electrons are moving from negative terminal to positive terminal inside the battery, there will be some obstacle to flow. खुद के कुछ reason के कारण अंदर ही कुछ obstacle create होगा. हमने कहा because of that obstacle कुछ resistance, एक term हम बता देते हैं, तो इसको ही हम कहते हैं, that is called as internal resistance of a battery. देखो कहाँ कहाँ resistance हमें मिलेंगे? ये कंडक्टर है, राइट? ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ, अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं. जो सोर्स के अंदर केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ठीक है,
उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस. रो बेटा माइक बंद कर दे. ऑफर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैटरी. सेकेंड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम सर्किट सॉल्व वगैरह करेंगे तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इंक्लूड करना है तो वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी is taken in series. It's taken in series with the battery EMF. मतलब बैटरी के साथ उसका रेजिस्टेंस दिखाओगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाओगे. कैसे? इस तरीके से. बैटरी को हम ऐसा दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, उसका रेजिस्टेंस उसके साथ तुरंत बाद दिखा देना. ये रहेगा R, that is internal resistance of this battery. ऐसे बैटरी की कोई कैपेसिटी है 30 वोल्ट, तो ये 30 वोल्ट इसके ऊपर लिख दिया हमने. और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट्स से वो 10 ओम है, तो यहाँ लिख दिया 10 ओम. भी यहाँ पे हमने कुछ सर्किट लगाया होगा, बल्ब लगा देंगे, कुछ कुछ लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे हम कुछ एक्सटर्नल अप्लायंसेस वगैरह लगाएंगे. तीसरा पॉइंट, बहुत सारे हम कुछ क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं. आइडियली इन आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो. आइडियल बैटरी में हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो. आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग और चीजें आगे आएंगी. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हम जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे. हमें अभी देखना है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल वाला ग्रुपिंग हमें देखना है, फिर हम इसको और अच्छे से हैंडल करने वाले हैं. ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर बैटरी के अंदर आइडियली केसेस में रेजिस्टेंस जीरो होता है, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये बैटरी हम लगाएंगे वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट. डीसी एसी का फर्क आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी हम हेडिंग लगाते हैं. मुझे बताओ पहले तुमने लिख लिया इतना सब? सर थोड़ा सा बस है, रह रहे हैं. लिख लो. सर वो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आर. कैपिटल आर हमारे वायर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर.
छाप लिया, छापो फटाफट। चलो आगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज और पैरेलल वाला ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस क्लिक को पहला पॉइंट। इन जनरल रेजिस्टेंस ग्रुपिंग और यू कैन से कॉम्बिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होगा पैरल कॉम्बिनेशन। एक होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की टर्म, कुछ याद आ रहा होगा तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस, थ्री पॉइंट लिख लेते हैं। फॉर अ गिवन group of resistances if all resistances are replaced by a single resistance in which all the electrical properties regarding the grouping, regarding the group remains the same. Then this single resistance can be written as equivalent resistance of that group of resistances. मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो उसको हटा के एक ही एक रेजिस्टेंस लगा ताकि इन सबको रिप्लेस कर पाए। ठीक है, मतलब 10 लोगों का काम एक बंदा कर दे, मतलब इसका इक्विवेलेंट ये है। इन लोगों का रिप्लेसमेंट हमने किया एक से, इन सभी की प्रॉपर्टीज एक इसके अंदर आ गई, इसको हमने कहा कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो वैसे कॉम्बिनेशन होगा सीरीज का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं,
उनको हमने कनेक्ट किया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल इक्विवेलेंट से, ये होगा R1, ये होगा R2, ये होगा R3, तीन रेजिस्टेंस लगा दिए, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल तीन ले लेते हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा जब हम कन्वर्ट करेंगे वो हमें देखना है, पैरेलल में होगा तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ले लेते हैं इस तरीके से है, दोनों के कॉम्बिनेशन से है, कभी बहुत सारे सिचुएशंस बनेंगे, और आगे चल के इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे जिससे हम सीरीज पैरेलल से भी सॉल्व नहीं कर पाए, तब जाके हम कोई तीसरा लॉ बनाएंगे उससे सॉल्व कर, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सिल वाले क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और फिर देखेंगे कि हर एक सिचुएशन में क्या फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके का आया पैरेलल के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/R equivalent होता है, वो वाली बात हम यहाँ करने वाले, कितना लिख लो फिर हम एक एक करते हैं। नीचे लिखेंगे दैट इज, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस, हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल बैटरी से, बैटरी से होगा करंट फ्लो, इन रेजिस्टेंसेस को मिलेगा, फिर से सर्किट कंप्लीट होगा, और इसका ही हमें यहाँ पे एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देना है, तो क्या सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा वो हमें देखना है। सो वी विल बी प्लेइंग विद थ्री नंबर्स, थ्री वेरिएबल्स, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंसेस, इसको आर इक्यू लिखो, आर इक्विवेलेंट, विल राइट आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये ई लिखा है मैंने, ठीक है, ई upon I, this is called as EMF, EMF, I called as current, ठीक है, V upon I लिखते हैं ना, यहाँ पे E upon I लिखेंगे, E stands for EMF, बैटरी का ये EMF, ठीक है, इसको बहुत बार E लिखेंगे आप, E लिखा मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह इसका जीरो है, और ये ओपन सर्किट इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया, ठीक, चलो फॉर एनी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, फॉर एनी रेजिस्टेंस सीरीज रहे या पैरेलल रहे, फॉर एनी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कॉमा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी गिवन एज R equivalent is equals to potential difference applied across the combination, मतलब ये जो EMF है वो divided by current flowing through the combination, वही जो ऊपर लिखा है उसको एलैबोरेटिव फॉर्म में यहाँ लिखा है, अभी सबसे पहले करते सीरीज कॉम्बिनेशन, वी सी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दिस पोर्शन इज वेरी इजी गोइंग, खुद ब खुद भी समझ सकते हो, चलो आगे, अर्णव हर्ष लिखा
स्तर थोड़ा ऊपर ले रहा सर. यस प्रेम सर, आपके पास वो पीडीएफ है क्या अजिंक्य फिजिक्स के पूरे पैकेज का? 12th के मैंने तो बनाया नहीं, अभी बनाना स्टार्ट किया है. जैसे जैसे तुम्हें सिखा रहा हूँ वैसे वैसे बन जाएंगे पूरे. नहीं सर, वो हमारे जो जिसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं सारे पैकेज 12th का बुक्स, मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना. लेकिन वो अभी क्लास में, जब क्लास खुलेगी तब दे दूंगा. नहीं सर, तो उसका पीडीएफ नहीं है क्या? क्योंकि सर डेली डीपी का नहीं मिल रही है तो वो भूल जाते हैं सर अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो. क्या कर सकता हूँ इसके लिए? कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करता हूँ, सजेशन मिला है मुझे तो. जी सर. ओके थैंक यू सर. और वो मेड विथ लव वाली फॉर्मूला बुक, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए ग्रुप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, फॉर्मूला बुक सेक्शन में. ओके सर. सर वो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है लास्ट में? It is a potential difference across the combination divided by current flowing through the combination. PD is the potential difference. सर ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ना? नो. अरे यार कितना बाकी है? ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर था पूरा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वगैरह. अभी मेन हीरो तो आएंगे, किरचॉफ्स लॉ, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स सर्किट. चलो आगे. चलो हो गया, लिख लिया. सीरीज कॉम्बिनेशन पहला देखते हैं. नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सीरीज कॉम्बिनेशन तो पता है, टेंथ में पढ़े हम, एक के बाद एक रेलगाड़ी, जुगजुग गाड़ी, दो तीन ले लेते हैं. घूमता बेटा माइक बंद करूंगा. So let's say this is R1, this is R2, this is R3. तीन रेजिस्टेंस है और इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से. इसका पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो कुछ दिया हो वो यहाँ लिख लेंगे. फिलहाल के लिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या है. फिलहाल के लिए कंफ्यूज मत हो, आगे आगे चल के क्लियरिटी और बढ़ेगी इसके ऊपर. ठीक, यहाँ से करंट इसको फ्लो होगा I, यहाँ से वापस वो करंट आ जाएगा. जितना करंट गया उतना ही करंट वापस आना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स भेजे उतने इलेक्ट्रॉन्स वापस आना चाहिए. इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं कहीं कि चाय पीने रुक गए, नहीं. राइट, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में एज यू नो कि क्या सेम होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इन सीरीज कॉम्बिनेशन नीचे लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current flowing through each resistances remains constant. क्या मतलब? अगर इसके अंदर से 2 एम्पियर का करंट जाएगा, इसके अंदर भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, तो इसके अंदर से भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. When they are connected in series, ये basic series का principle. फिर क्या different होगा? Potential difference will be different. EMF will be different within the each resistance. तो EMF नहीं करेंगे हम, potential करेंगे, क्योंकि अब ये circuit के अंदर आ गया. ठीक है, so इसके अंदर potential difference मान लेते हैं V1 है, इसके अंदर potential difference क्या V2, इसके अंदर potential difference है V3. ठीक है, so we will say here potential difference is V1. So V1 को क्या लिखेंगे हम?
ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, सो अप्लाइंग ओम्स लॉ. तो यहाँ पे तो मैंने नीचे लिखा है कि करंट इज सेम, तो इसको आई लिखेंगे और आर वन लिखेंगे. यहाँ पे जो वी टू रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हियर विल बी आई इन टू आर टू. आई वन आई टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ईच रेजिस्टेंस करंट इज सेम. थर्ड इसमें होगा वी थ्री इज इक्वल टू आई इन टू आर थ्री, ठीक है. सो ई एम एफ क्या होगा यहाँ पे, ई एम एफ विल बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. ई एम एफ मतलब टोटल बैटरी ने कितना सप्लाई किया, जितना इसके अंदर गया, जितना इसके अंदर गया और जितना इसके अंदर गया पोटेंशियल डिफरेंस, उनकी हमने एडिशन की, ठीक है. बैटरी का काम था इतना देना, पहले रेजिस्टेंस के अंदर इतना गया, दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर इतना सप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड रेजिस्टेंस के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इतना सप्लाई किया, ठीक है. अगर मैं तुम्हें एक बेसिक सा सवाल पूछूं तो तुम मुझे बता सकते हो, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी और ये डी. चार ऑप्शन देता हूँ, चार ऑप्शन से वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी इज इक्वल्स टू वी डी. ऑप्शन बी वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, सॉरी वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी इज ग्रेटर देन वी डी. ऑप्शन सी वाइस वर्सा इसका. एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस. कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्वेश्चन समझ रहे हो? None of these. B. B, A, C या D. None of these. A, B, C. Which one? देखो गौर से देखो. ये A, B, C point. B. अरे. B is the correct answer. क्यों B correct होगा? देखो. Current flows from higher potential to lower potential. So ये higher potential होगा, ये lower potential होगा. ये हायर होगा इससे और ये इससे लोअर होगा, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में जा पाएगा ना. करंट कब फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो आई विल से द पोटेंशियल हियर इज मोर, फिर ये कम होगा, सी उससे भी कम होना चाहिए तब बी टू सी जाएगा, और डी सी से कम होना चाहिए तभी तो ये हायर टू लोअर फ्लो हो पाएगा. तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी. पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटेस्ट and potential at D is the lowest. ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, B is the correct answer for this. अच्छा, बात मेरी करनी थी resistance equivalent resistance की, लेकिन छोटा सा point ये भी cover कर लिया मैंने, ठीक है. तो ये हमने लिखा, ठीक है. तो V1, V2, V3 को लिखा जाए, IR1, IR2, IR3, ठीक है. So we will write V1 को लिखा मैंने आई आर वन प्लस V2 को लिखा आई आर टू प्लस इसको लिखा आई आर थ्री, ठीक है. ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ, ठीक है. उससे हम R इक्वेलेंट निकाल सकते हैं, दैट इज ई एम एफ अपॉन आई, यानी ऊपर लिखा है. ओम्स लॉ तो पता है, ये बताने की क्या जरूरत. तो ई एम एफ को लिखो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री डिवाइडेड by I. कॉमन ले लो, R equivalent you'll get R1 plus R2 plus R3. यहाँ पे क्या सेम था, हमने कहा करंट सेम था, across each resistance current remains constant. What varies is the potential difference. तीनों के across potential difference सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा. हमने फिर net potential difference निकाला V1 plus V2 plus V3, और V1, V2, V3 को in terms of current and resistance लिखा. ओम्स लॉ के द्वारा E by I की हमने this upon this, I cancel हो गया, equivalent resistance मिल गया. Constant को bracket में लिखो same. चलो आगे.
यस सर। कोई लिख रहा है? नहीं ना। अच्छा सेकेंड क्या होगा? पैरेलल। विल सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ। टक 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 लगा दो एक बैटरी ड्यूरासेल प्लस ये माइनस ये रेजिस्टेंस आर वन ये आर टू ये आर थ्री। यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से ये करंट आई ही रहेगा, इधर करंट इधर और इधर ये करंट, ये अभी सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। हमने कहा यहाँ पे आई वन आई टू, यहाँ पे करंट आई थ्री। जब ये निकलेगा तो आई वन करंट ही निकलना चाहिए, करंट एक्यूमुलेट नहीं होता। अच्छा यहाँ पे आई टू होगा, यहाँ पे आई थ्री होगा, इनके कॉम्बिनेशन से जुड़ के फिर से आई करंट बाहर आ जाएगा, वही आई करंट इसके अंदर जाएगा, घूमता रहेगा। तो आई करंट गया सीरीज में तो करंट अक्रॉस द सेम था, यहाँ पे तो करंट डिफरेंट है आई वन आई टू आई थ्री, तो क्या होगा सेम यहाँ पे? जी हाँ, ईएमएफ विल बी द सेम अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस मतलब सर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल तीनों के लिए सेम है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, लेट्स से कि ये ए है, लिख देते हैं इसको, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तीनों रेजिस्टेंस दो पॉइंट के अक्रॉस हमने ज्वाइन किया है, सो ये रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस टू टर्मिनल्स हियर। तो इसका जो अगर पोटेंशियल वी कंसिडर करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर वन होगा वो वी होगा, आर टू के अक्रॉस भी वी होगा, आर थ्री के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में करंट डिफरेंट है। राइट, पहला पॉइंट। In parallel action, EMF across each resistance is same. But current flowing through each resistor is different. Is different. ठीक है, तो कितना different है? तो I will say I one is equals to EMF upon R one. This is the current flowing through the resistance R one. ये वाली branch का current. Similarly, you can say I2 is equals to EMF upon R2. Similarly, I3 is equals to EMF upon R3. EMF तीनों केस में सेम है, पहला स्टेटमेंट। करंट तीनों के अक्रॉस डिफरेंट है, ये देखो डिफरेंट है, जोड़ देते हैं सबको। तो फिर करंट, टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ऊपर हमने लिखा था V is equals to V1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री, यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई अपॉन आई। ई कितना है? वो उतना ही है जितना एक रेजिस्टेंस दो तीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस था। ई एम एफ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। करंट को लिखेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री,
वैल्यूज पुट करेंगे I1, I2, I3 की, तो ये होगा E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस स्मॉल E अपॉन R3, ठीक है, ये कट हो जाएगा कॉमन लेके, तो मुझे ये यहाँ से R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. टू सिंप्लीफाई रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज हाउ ये फॉर्मूला आया. हो गया स्टूडेंट्स? यस सर, हो गया. एग्जांपल करते हैं, फिर हम लैबोरेटरी में चले जाएंगे, सीरीज पैरेलल देखते हैं. एग्जांपल 1, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड equivalent resistance across A and B in the circuit shown. CKT मतलब circuit shown. ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. ये 4 ओम दिया है, दिस इज गिवन एज 3 ओम, 6 ओम और ये है 6 ओम. ये बाहर से यहाँ नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे. Can you solve this? Anyone? Sir, answer 1 hai ka? Answer 1 nahi hai. Yahan se shuruaat karo. Ye dono kaun se combination mein? Decimal madhe hai ka? Nahi. Decimal madhe pan nahi. यहाँ से शुरुआत करो, इन दोनों को सॉल्व करो, इनका जो यस इनका कॉम्बिनेशन, इनके दोनों कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो. लेट्स सी, ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल में है, दिस टू आर इन पैरेलल, ठीक है.
पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर1 प्लस 1 अपॉन आर2। इसका एक शॉर्ट 3 है, आंसर इज 3। कैसे लिखोगे, दिस विल बी आर1 प्लस आर2 डिवाइडेड बाय आर1 इनटू आर2। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आया है, ये बार बार नहीं करूंगा मैं, एक बार समझ लो, फिर डायरेक्टली हम टू रेजिस्टेंसेस के लिए ये करें। इसका उल्टा कर दो, R equivalent will be equals to R1 R2 upon R1 plus R2। ये दो resistance जब parallel में होंगे तब ये formula use कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है parallel में, R1 नाम दे दे, 3 and 6, 3 into 6 divided by 3 plus 6, तो R1 कितना आ जाएगा, 2 upon। ठीक, अभी सर्किट कैसा दिखेगा, सुंदर सर, बहुत सुंदर दिखेगा। ये 4 ओम और ये इनके कॉम्बिनेशन से आया हुआ 2 ओम, नीचे क्या है 6 ओम। ये 2 और 3, इसको R2 कहते हैं, सीरीज में है, पता होता है हमें वो क्या होता है, 4 प्लस 2 कितना होगा, ये 6 ओम। और ये है 6 ओम यहाँ पे, और उसका भाई उसके साथ पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल के लिए थ्री आएगा। देखो जब दो रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, यहाँ पे 6 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो उसका सीधा हाफ कर दो, 6/2, द आंसर इज 3 ओम। नॉर्मल इससे चेक करते हैं, R equivalent formula कौन सा, ये वाला 6 into 6 divided by 6 plus 6, so 6 into 6 divided by 6 plus 6 is 2 into 6, 6 और 6 चला गया, that is 6/2, 3 ohm, answer is 3 ohm, equivalent is 3 ohm for the circuit। लिख लो, ओनली 20 seconds आई एम वेटिंग। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, फाइंड वाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑफ द सर्किट शो खूबसूरत सर्किट है ये, ये है खूबसूरत काफी लाजवाब सर्किट ए बी।
वैल्यूज चाहिए ना तुम्हें, 1 ओम, बाहर के सभी 1 ओम हो जाए, और अंदर के सभी 2 ओम हो जाए. 2 ओम, ये भी 2 ओम. चलिए सॉल्व करिए. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां पे आइडेंटिफाई होगा, मर्ज कर दो, सॉल्व करते चलो. सर यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा ना, यहाँ से शुरुआत करो. ये दोनों सीरीज सर, वन सर वन, मेरे पास आंसर रेडी नहीं है, हम निकालेंगे इसका आंसर. इसको सॉल्व करो सीरीज, ये जो बनेगा ये दोनों पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल. वन मिनट ओनली. सर 6/13. 6/13, ओके, चेक करेंगे हम. चलो देखो, यहां से शुरुआत करेंगे. ये दोनों कैसे हैं? दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है? कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट? 1+1, 2. सो ये 2 ओम, 2/3, और ये 2 ओम. ये पैरेलल में रहेंगे, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये वाला और ये जो नया आया है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना रहेगा? पैरेलल में 2 और 2 है, आइडेंटिकल है, तो 2/2 1 हो जाएगा. पैरेलल में 1 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 1 ओम. तो सर्किट अगर मैं रीड्रॉ करता हूं अभी, तो ये क्या दिखेगा मुझे? ये 1 ओम, यहाँ पे ये 1 ओम रहेगा, और ये इसका 2 ओम, ठीक है? सो व्हाट वी हैव ड्रॉन इज दिस वन. इसका तो आ गया ना, इसका आ गया ये 1 ओम, ठीक है? और ये 2 ओम मैंने ड्रॉ किया. ये यहाँ पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. ये 1 और 1 सीरीज में है, तो ये 2 ओम बन जाएगा, और ये नीचे वाला तो 2 था. ये दोनों का कॉम्बिनेशन किस में है? पैरेलल में है. तो ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट इसका? 1 ओम, ठीक है? तो कहां तक हमने रिजॉल्व कर लिया? ये भी कर लिया हमने, ये भी हो गया, और ये भी हो गया. मतलब ये पूरे का कितना आया हमारा आंसर? 1 ओम, ठीक है? अभी दिमाग लगाते जाओ, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. ये 1 ओम और ये 1 ओम किसमें होगा? सीरीज में. कितना हो जाएगा वो? 2 ओम. 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम किसमें होगा? 1 ओम. पैरेलल में, तो वो हो जाएगा 1 ओम. तो ये कंप्लीट 1 ओम हो गया, ठीक है? ये 1 ओम और ये 1 ओम ये किसमें होगा? सीरीज में. तो फाइनली मुझे कैसा दिखेगा? यहाँ पे 2 ओम, और ये नीचे वाला 2 ओम. सर वो किसमें रहेंगे? सो दिस विल बी 1 ओम. तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या आता है? अगर आइडेंटिकल होंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज 1 ओम. इसका इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस वी फाउंड इज 1 ओम. कहां से शुरुआत की हमने, इन दोनों को लिया सीरीज में, सीरीज में इसका आया 2 ओम, 2 ओम, और ये 2 ओम पैरेलल में इसका आया 1 ओम. तो ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, इसका आया 2 ओम, ये 2 ओम या 2 ओम सीरीज में, ये आया 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, इसका आया 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में, इसका आया 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम सीरीज में, इसका आया 2 ओम, और ये 2 ओम जो आया है और जो नीचे ये 2 ओम ये पैरेलल में, इसका आंसर है ओम बट स्वाहा 1 ओम. ठीक जी सर. ये सबसे बेसिक से सवाल ऐसे बहुत से बन सकते हैं, मैं डीपी पे अपलोड कर दूंगा. 1 ओम का रेजिस्टेंस आता ही है ना, क्या इतना सारा ये है इतने सारे, क्या समझ नहीं पाया मैं? नहीं सर कुछ नहीं. अरे बोल ना तू.